हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनपसंद भोजन। आज मैं आपको कच्चे आम के अचार की रेसिपी बताने जा रही हूँ। 5 किलो आम का अचार बनाना सिखाऊंगी आज मैं आपको, और ये सालों साल चलेगा। आज मैं आपको आम का अचार बनाना सिखाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने 5 किलो आम कटवा के और धो के धूप में सुखा के पहले से ही रख लिया है। इसको हम पानी में धोने के बाद धूप में सुखाएंगे, और ये अचार अब 5 साल तक घर में स्टोर करके रख सकते हैं और ये जल्दी खराब नहीं होगा। आम को सुखाने के बाद अब मैंने 1/2 किलो नमक और 100 ग्राम हल्दी ली है। इसमें इन दोनों को मैं एक बाउल में मिक्स करूंगी, और जो मैंने आम के टुकड़े कट करके रखे हैं उसमें मैं लपेटूंगी। एक बाउल में मैंने हल्दी और नमक दोनों चीज को मिक्स कर लिया है हाथों से, और हाथों से ही मैंने एक एक करके, इसी तरीके से आप भी करेंगे, हल्दी और नमक में आम के पीसीस को मिक्स करेंगे। अब मैंने इन सबको एक बड़े से टप में मिक्स करके रख लिया है, और आप किसी भी बड़े बर्तन का यूज कर सकते हैं। इसको अच्छे से 1 दिन तक ढक के हम रख देंगे इसी तरीके से। अब नेक्स्ट डे मैंने इसे धूप में सुखाने के लिए निकाल लिया है। मैंने एक कपड़ा या आप कोई पिन्नी पॉलिथीन वगैरह बिछा के छत पे धूप में इसे सुखा सकते हैं। मैंने अलग अलग एक एक पीसेस को रख दिया है ताकि हर एक पीस पे अच्छी तरीके से धूप लग जाए। 2 से 3 घंटे मैं इसे धूप में सुखाऊंगी, उसके बाद मैं इसमें मसाले मिक्स करूंगी। देख सकते हैं कि ये 5 किलो आम धूप में सुखाने के बाद मैंने अलग से इसे एक बर्तन में निकाल के रख लिया है, और सारे मसाले जो मैं इसमें मिक्स करूंगी वो मैंने एक बर्तन में निकाल के रख लिए हैं। अब मैंने मसाला लिया है। मसाले में मैंने 1/2 किलो सरसों, पीले सरसों लिए हैं। इसको मैंने मिक्सी में पीस के रख लिया है। आप चाहे तो काले भी ले सकते हैं, और मैं अचार के इस बर्तन में डाल दे रही हूँ जिसमें मैंने अचार कट करके रखा है। और 100 ग्राम सौंफ लिया है मैंने इसमें, 100 ग्राम सौंफ, 100 ग्राम अजवाइन ली है वो भी मैंने इसमें डाल दिया, और 100 ग्राम मिर्ची पाउडर, लाल मिर्च पाउडर वो भी मैंने इसमें डाल दिया। उसके बाद मैंने ये 100 ग्राम धनिया ली है, खड़ी धनिया, इसको भून के मैंने इसमें ऐड कर दिया, और 100 ग्राम पीसी धनिया, 100 ग्राम जीरा लिया है जिसमें से मैंने आधा भूंज लिया है और आधा उसका पाउडर बना के इसमें डाल दिया। 50-50 ग्राम जीरा पाउडर हो गया और खड़ा जीरा हो गया, और 50 ग्राम मेथी, खड़ी मेथी, और 50 ग्राम मेथी को मैंने उसको पाउडर बना के मिक्सी में उसे भी मैंने ऐड कर दिया इसमें। उसके बाद मैंने इसमें 25 ग्राम कलौंजी इसमें मैंने ऐड कर दी। उसके बाद मैंने हल्दी लिया है, 4 से 5 चम्मच हल्दी है। ज्यादा हल्दी नहीं लिया क्योंकि मैंने हल्दी पहले भी ऐड कर दिया था, और नमक लिया है मैंने 10 से 12 चम्मच, पहले भी नमक ऐड कर दिए थे इसलिए मैंने नमक भी कम ही लिया है। मैंने इसमें 1 लीटर फॉर्चून का तेल लिया है। अब मैं इसमें 1 लीटर फॉर्चून का पूरा तेल डाल दूंगी और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। अब ऑयल डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी, और ऐसे मिक्स करना है ताकि हर एक पीसीज में आम के मसाले घुस जाए अच्छे से और लिपट जाए इसमें। इसको आप किसी चीज छोलनी या करछी की मदद से भी चला सकते हैं, और इसे इतनी ध्यान से चलाना है ताकि इसमें कोई पानी ना पड़े, क्योंकि पानी लगने के बाद अचार खराब हो सकता है। इसे इसी तरीके से मैंने फेंट लिया, और नीचे के भी पीसेस अच्छे से मिक्स हो जाए, आपको इतनी अच्छी तरीके से इसे मिक्स करना है। देख सकते हैं इसका कितना अच्छा कलर देखने में लग रहा है अभी ही। अभी तो ये धूप में दिखाना बाकी है और इसे पकना बाकी है। मसाले खड़े हैं तो थोड़ा पकने में टाइम लगेगा, लेकिन ये जल्दी अचार खराब नहीं होगा। 4 से 5 साल आप आराम से इसे घर में स्टोर करके रख सकते हैं, बस इसमें पानी नहीं पड़ना चाहिए।
आज ये अचार का तीसरा दिन है। इसमें मैं दोबारा से आधी लीटर सरसों का तेल डालूंगी और इसे मिक्स कर दूंगी। सरसों का तेल ज्यादा डालने से इसके मसाले अच्छे से गल जाएंगे और अचार भी जल्दी गलेगा, इसलिए मैंने इसे सरसों का तेल दोबारा डाला है और इसे मैंने मिक्स कर दिया है। ये अचार आप 4 से 5 साल घर में अच्छी तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं। ये खड़े मसाले हैं, इसलिए इसे आप 1 से 2 बार और धूप दिखा लेना और घर में किसी चीज में आप स्टोर करके रख लीजिएगा। देख सकते हैं कि देखने में ही कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेंगे। आप इस अचार की रेसिपी को एक बार घर में जरूर ट्राई करिए। देखिए हमारा अचार अब बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है। आप इसे स्टोर करके रखें और